दोस्तों भारत की मुद्रा रुपया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा डॉलर का होना बहुत जरूरी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस देश का आर्थिक सेहत सबसे मजबूत है, इसका निर्धारण इससे भी होता है कि उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना भरा हुआ है। दुनिया भर में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रभुत्व डॉलर का ही है। आप बाजार जाते हैं तो आप जेब में रुपया लेकर जाते हैं और उसके बदले में आप सामान खरीद करके लाते हैं। इसी तरह भारत को सऊदी अरब, इराक और रूस से तेल खरीदना होता है तो वहां रुपया नहीं बल्कि डॉलर देने होते हैं। जैसे भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा तो भुगतान डॉलर में करना पड़ा, ना कि रुपया में। मतलब रुपया राष्ट्रीय मुद्रा है, लेकिन भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर की शरण लेनी होती है। मतलब अर्थव्यवस्था और देश को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा डॉलर का होना ज़रूरी है। डॉलर अब आएगा कहाँ से? डॉलर निर्यात से आते हैं। जैसे भारत कोई सामान दूसरे देश से खरीदता है तो डॉलर में भुगतान करना होता है, वैसे ही जब भारत सामान बेचता है तो उसका भुगतान डॉलर में लेता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत दुनिया भर में क्या क्या बेचता है, और इसके साथ में भारत के पास डॉलर वहाँ से आता है जो भारतीय विदेश में काम करते हैं, जो अब कमाते हैं उसे इंडिया में भेजते हैं। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए डॉलर पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब ग्लोबल ट्रेड के लिए अब डॉलर पर निर्भरता घटने जा रही है, क्योंकि बहुत जल्द आयात निर्यात के लिए रुपया का इस्तेमाल होना संभव हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के अन्य बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो निर्यात पर जोर देने और ग्लोबल ट्रेड ग्रुप की रुपया में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक रिलीज में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि नई व्यवस्था एक अतिरिक्त व्यवस्था होगी। नई व्यवस्था ग्लोबल ट्रेड्स के तहत होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े इनवॉइसिंग भुगतान और सेटलमेंट के लिए होगी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नई व्यवस्था को लागू करने से पहले बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई स्थित फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होगी। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले से देश के कारोबारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। बता दें अभी तक ग्लोबल ट्रेड डॉलर में किया जाता था, वही नई व्यवस्था के आने पर डॉलर से निर्यात घट जाएगी, कारोबारी भी बिजनेस डील को भारतीय मुद्रा रुपया में कर पाएंगे, जिससे वे अधिक क्षमता बनाने और वही दूसरी ओर लगातार कमजोर होते रुपये को भी मजबूती होने में सहायता मिल जाएगी। तो दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।